दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं KTM Duke 250 के बारे में, जो कि काफ़ी बेहतरीन बाइक है और सही बताऊं तो लॉन्ग टूरिंग के लिए प्लस सिटी राइडिंग दोनों के लिए बाइक काफ़ी परफेक्ट मानी जाती है। और नेकेड स्पोर्ट में ये काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ आती है, काफ़ी क्लियर लुक है इसका और यूथ लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। मेरे भाई लोग, जितने भी लोग इस बाइक को पसंद करते हैं ना, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के बारे में देने वाले हैं कि इस समय इसका प्राइस क्या है और कंप्लीट प्राइस कितने का पड़ेगा, मतलब सब कुछ कागज वगैरह सब कुछ कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट बाइक आपको कितने की मिल जाएगी और इसमें क्या क्या स्पेक्स मिलते हैं, क्या फीचर्स मिलते हैं, तो सारी चीज डिटेल में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं राइट टू नो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करते चलिएगा, मेहनत अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो दोस्तों हम आपको बताएं, देखिए ये आप ऑरेंज और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ ये कलर आप देख रहे हो, काफी क्लियर कलर है ये। और इसके अलावा एक कलर और आता है जो कि व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन के साथ आता है, वो कलर भी काफी धांसू लगता है, तो बहुत जल्दी हम उस कलर का भी रिव्यू करेंगे, पहले आज इसके बारे में पूरा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो दोस्तों यहां पे अगर फ्रंट पे हम बात करें तो जो यहां पे आपको जो डिस्क मिलता है इसकी साइज 300mm है, यानी कि 300mm का डिस्क लगा हुआ है और इसमें आपको ABS का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो ये काफी सही चीज है। ब्रेकिंग को लेकर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि KTM की जितनी भी बाइक्स आती हैं उनका ब्रेकिंग सिस्टम हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। तो यहां पे फ्रंट में आपको 300mm का डिस्क मिलता है और जो फ्रंट में आपको टायर मिलता है ये आपको 110/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है। और ये देखिए जो इसका सस्पेंशन है ये आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिलेगा। और बात करें इसके ट्रेवल फॉग की बात करें तो इसमें आपको 142mm का ट्रेवल देखने को मिलेगा। और जो इसका हेडलैम्प है यहाँ पे देखिए आपको, इसमें आपको 60x55 वाट का आपको हेलोजन बल्ब मिलेगा, काफ़ी अच्छी रोशनी है उसकी। और साथ ही साथ इसमें आपको साइड में LED DRS देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको कम से कम 20 इंडिविजुअल LED जो है लगाई गई हैं, तो काफ़ी बेहतरीन लगती हैं जब ये जलती हैं तो। और सही बताऊँ तो इसे बाहर से, मतलब ऐसा नहीं लगता कि बाहर से चिपकाया गया हो, इस जो DRS हैं ये अंदर से ही लगाया गया है, तो इसलिए प्रीमियमनेस इस बाइक की बनी रहती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें इसके हैंडल बार की, तो आप देखिए यहाँ पे लो बीम, हाई बीम स्विच, पासिंग स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच और आपको हॉर्न जो है लेफ्ट हैंडल बार पे ही मिल जाता है। और इसका मीटर कंसोल है जो कि आपको LCD डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलती है। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे अगर TFT स्क्रीन होती तो थोड़ा सा और बेहतर हो जाता, बट नो डाउट हम इतने भी संतोष कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लगभग जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती हैं। हम आगे चल के आपको इसका ऑन करके दिखाते हैं, मीटर कंसोल ऑरेंज लाइट के साथ आता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे राइट हैंडल बार पे देखिए इंजन किल स्विच के साथ आपको पावर स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप अपनी चाबी लगाते हो यहाँ पे। और इसके बाद इसका जो फ्यूल टैंक है इसे देखिए आप, फ्यूल टैंक की अगर बात करें तो लगभग आपको 13.4 यानी 13.4 लीटर का इसमें टोटल फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आते हैं इसके बाद तीसरे इसके इंजन पे, तो यहाँ पे आपको बता दूं दोस्तों कि आपको यहाँ पे 248.8 cc का इंजन इसमें मिलता है, जो कि सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक लिक्विड कूल इंजन है। तो गौर करिएगा कि लिक्विड कूलिंग होने की वजह से अगर आप हाईवे राइडिंग करते हैं, लगभग घंटों तक अगर आप अपनी बाइक को लगातार राइड करते हैं तो भी इसमें इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आती है। तो लिक्विड कूलिंग का यही फायदा होता है कि हीटिंग जो है आपके इंजन में बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करूं इसके मैक्स पावर और टॉर्क की, तो इसमें आपको लगभग 30 HP का पावर मिलता है 9000 RPM पे, लगभग 29.7 ऐसे करके कुछ HP का मिलता है, तो जिसे हम ओवरऑल 30 HP कह सकते हैं कि 30 HP का मैक्स पावर मिलता है हमें 9000 RPM पे और 24 Nm का टॉर्क मिलता है हमें 7500 RPM पे, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सस्पेंशन आगे की तरफ, मैंने आपको बताया आगे की तरफ आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलता है, 142mm का ट्रेवल उसमें देखने को मिलता है और पीछे वाला सस्पेंशन आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, जिसमें आपको 150mm का ट्रेवल देखने को मिल जाता है। इसका ग्रैब रील आपको स्प्लिट ग्रैब रील मिल जाती है, काफी स्ट्रांग टाइप की है। और इसके बाद अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके रियर प्रोफाइल में आते हैं, तो आप देखिए अगर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस बाइक में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दो लोग हैं, स्पेशली अगर कपल हैं या फिर दो लोग राइड करते हैं इस बाइक के साथ, एक पिलियन और एक राइडर, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसका सीटिंग कंफर्ट मुझे अच्छा लगा। और पीछे जो इसका आप टेल लैम्प देख रहे हैं ये भी आपको LED मिलता है। इस बाइक में आपको साइड इंडिकेटर्स, इसका टेल लैम्प और मतलब ये सारी चीजें आपको LED मिलती हैं। और हैलोजन के नाम पर सिर्फ इसका जो मेन हेडलैम्प है जिसमें आपको लगभग 60x55 वाट का बल्ब देखने को मिलता है। अब यहां पर पीछे वाली प्रोफाइल की बात करें तो यहां पर जो पीछे का टायर हमें मिलता है काफी चौड़ा मिल जाता है, लगभग
आपको 150/60 का टायर मिलता है, तो चौड़ाई काफ़ी बढ़िया है, तो कॉर्नरिंग पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा। और पीछे का जो डिस्क मिलता है ये आपको 230mm का मिलता है 230mm का। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको ABS इंक्लूडेड है, तो मतलब ब्रेकिंग को लेके मैंने पहले ही आपसे बोला है कि KTM की किसी भी बाइक में आपको ब्रेकिंग को लेके कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि इनके ब्रेकिंग पे मतलब मुझे खुद ट्रस्ट रहता है यार, बहुत गजब का ब्रेकिंग इनका होता है। डिस्क की साइज़ भी काफ़ी बड़ी होती है और साथ साथ इनके हर वेरिएंट में आपको ABS का सपोर्ट मिल जाता है, तो इसकी वजह से ब्रेकिंग इनकी जो है काफ़ी इंप्रूव है पहले से ही। ठीक है दोस्तों, हम आपको बता दें इसकी जो सीट हाइट है ना वो आपको 830mm की मिलेगी। तो एक चीज़ को गौर कर लीजिएगा कि अगर आपकी हाइट जो है कम है तो प्लीज़ टेस्ट राइड लेके ही इस बाइक को लीजिएगा, क्योंकि जिनकी हाइट काफ़ी कम है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है इस बाइक में, तो इस चीज़ का हमेशा गौर करिएगा। क्योंकि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको 185mm का मिलता है, मतलब काबिले तारीफ है। इंडिया में तो मतलब मान के चलिए कि 170-165 अगर मिल जाता है ग्राउंड क्लियरेंस, उतने भी इंडियन रोड्स पे बाइक बहुत धड़ल्ले से चलती हैं, यहाँ पे आपको 185mm का मिलता है, तो ये तो काबिले तारीफ है। और इसका जो ओवरऑल वेट है ना वो 146 kg का है, मतलब कि लगभग 250 cc का इंजन इसमें लगा हुआ है, इसके बावजूद भी ये आपको 146 kg इसका वेट है, तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सही वेट है, लाइट वेट आपको ये बाइक मिल जाती है, तो काफ़ी फन टू राइड है इस बाइक के साथ, नो डाउट। और इसके बाद हम फटाफट आपको प्राइस बता देते हैं दोस्तों, तो देखिए इसका जो एक्सोरूम प्राइस है वो लगभग 197,824 रुपए इलाहाबाद में है, 197,824 रुपीज ये इसका एक्सोरूम प्राइस है। अब बात करते हैं ऑन रोड प्राइस की, मतलब कंप्लीट बाइक आपको कितने के देखने को मिल जाएगी, तो मान के चलिए कि लगभग 229,000 से 235,000 के बीच में आप इसका अनुमानित प्राइस रख लीजिए कंप्लीट बाइक का, मतलब 2,29,000 to 2,35,000 के बीच में आप इसका जो है एक अनुमानित जो है प्राइस रख सकते हैं, अपने बजट को सेट कर सकते हैं। अब मैंने इनके बीच में इतना डिस्टेंस इसलिए बताया दोस्तों ऑन रोड प्राइस में, क्योंकि आपकी एजेंसी के हिसाब से वहाँ के जो आपकी जो स्टेट है, आपकी जो जगह है, इसके हिसाब से आपके जो प्राइस है ना ऑन रोड वो वेरी कर सकता है, इसलिए मैंने आपको एक बजट अनुमानित बजट बता दिया है कि आप इसी के बीच में आपकी ये कंप्लीट बाइक देखने को मिल जाएगी। तो कैसी लगी ये बाइक और कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर बताइएगा। आपको फटाफट माइलेज बता देते हैं, तो मान के चलिए कि सिटी में इसका माइलेज आपको 30 तक का मिल जाएगा और हाईवे पे माइलेज 35 के ऊपर का इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी बाइक और कैसा लगा वीडियो। तो अपना प्यार दिखाते रहिएगा, लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट्स के साथ, तब तक मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।